देवर ने भाभी को उतारा मौत के घाट। सिमरिया मुख्यालय से लगे महज 2 किलोमीटर दूर ग्राम सिग्मा निवासी 60 वर्षीय विधवा सत्यकली मिश्रा को जमीनी विवाद के चलते दोपहर लगभग 11 बजे कुल्हाड़ी से गर्दन पर हमला कर हत्या कर दी। मौके पर पुलिस आरोपी नंदकिशोर मिश्रा को गिरफ्तार कर धारा 302 का मुकदमा पंजीबद्ध कर दिया है। मृतक पानी भरकर वापस आते वक्त आरोपी ने कुल्हाड़ी से लगातार 10 बार हमला किया, मौके में ही मौत हो गई। आरोपी नंदकिशोर मिश्रा उम्र 65 वर्ष, पुलिस विभाग का रिटायर्ड हेड कांस्टेबल बताया जा रहा है। मौके पर FSL टीम ने जांच कर मृतक को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सिमरिया कोई हत्या हुई है क्या नाम? आज 11 बजे के आसपास सिमरिया थाना क्षेत्र का एक गांव है जहां पर एक विधवा महिला थी 60 वर्षीय, उनको उनके ही रिश्तेदार के द्वारा टामी से मार मार के हत्या कर दी गई। हत्या के बारे में जानकारी दी गई जिसमें मालूम चलता है कि आरोपी पक्ष 3 भाई थे। ये आरोपी की भाई की पत्नी थी, जो मृतका है इसका पति पहले एक्सपायर हो गया था, बंटवारे में इसको कुछ ज़मीन मिली थी और इसके बाद ससुर के हिस्से से कुछ और इसको ज़मीन मिली थी, नामांतरण में आया था। इसी बात की रंजिश को लेकर वो आरोपी के द्वारा मृतका की हत्या कर दी गई। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।